डरता है ये? है प्रथमेश, मैं बताती हूँ, तू मेरी बात सुन। गाइस मैंने आप लोग को एक स्टोरी बताती हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है। वैंकी को ना, गाइस चुप रहो, मुझे बताने दो। वेट निकालने गाइस, वैंकी को ना, का ऑप्शन ही नहीं है तुझे, पता निकलेगी कैसे? बेस्ती मतलब बेस्ती। अरे हाँ है, ऑप्शन है, मैं तुझे निकाल सकता हूँ अभी। चुप रहो, तुम नहीं निकालोगे, मुझे बताने दो ये स्टोरी। तो गाइस वैंकी को ना मुंबई में जब हम लोग थे, तो शायद 1 महीने पहले ही या कुछ टाइम पहले ही वैंकी को ना नॉर्मली सर्दी हो गई थी, क्योंकि बहुत कोल्ड ड्रिंक पीता था। तो इसको ना बस वो टेस्ट नहीं आ रहा था, और थोड़ी बहुत स्मेल नहीं आ रही थी, मतलब जुकाम हो गया था हल्का सा। अब ये लड़का एक दिन तो बिल्कुल नॉर्मल था कि हाँ ठीक है, फिर कह रहा है यार मुझे ना बस हल्का हल्का टेस्ट नहीं आ रहा, और मेरे को कुछ स्मेल नहीं आ रही। तो हमने बोला अच्छा तेरे को जुकाम है इसलिए, अच्छा ठीक है हाँ जुकाम होगा मेरे को। फिर अगले दिन, यार मेरे पापा ने बोला है ना ये फेज 3 है, इसमें ना बिल्कुल, सॉरी फेज 2 या समथिंग था ना, कह रहा है यार इसमें ना बिल्कुल पता ही नहीं चलता, कोरोना हो जाता है, इंसान मर जाते, फटाक से मरते, बचता ही नहीं। मैंने कहा अच्छा, तो कह रहा हाँ मेरे पापा का फ्रेंड हुआ है, मैं जानता हूँ मेरा कोरोना हो गया। और ये बंदा रात के 3 बजे, गाइस रात के 3 बजे मुझे कॉल करके बोलता है, सुन मैं ना कोविड चेकअप कराने जा रहा हूँ, तू भी चलेगी? मैं कहा मैं क्यों चलूँ? कह रहा तो हम लोग साथ में वीडियो बनाते, तुझे भी हो सकता है। मैंने कहा पर मुझे नहीं हुआ है। नहीं देख, मुझे स्मेल नहीं आ रही थी, और मुझे वो भी नहीं आ रहा था, टेस्ट भी नहीं आ रहा था, मुझे पक्का कोविड हुआ है। मैं कहा नहीं हुआ है तुझे। ना तो कोविड टेस्ट से भी डरते हैं लोग। अरे हाँ, और ये तो, ये चलो इसको तो अपने में सिम्टम्स दिखते हैं। मत, मैं नहीं मरूंगा कोविड से, मैं ट्रक के आगे आके मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा कोविड से, मैं ट्रक के आगे मरूंगा। हाँ, रिमेम्बर और उसको तो कोई सिम्टम्स भी नहीं है। हम लोग रात को 3 बजे कूपर हॉस्पिटल गए जस्ट क्योंकि स्मेल और टेस्ट नहीं आ रही थी। तो अच्छा, मैं अब आगे इस तुम स्टोरी में, सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि हमने वैंकी को समझाया, वैंकी तेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, मुझे तो चेकअप कराना है। चल ठीक है, वैंकी अगले दिन गया चेकअप कराने, सुबह सुबह 6 बजे ही चला गया फटाक से चेकअप कराने। और इसके बाद इसको वहां पे एक डॉक्टर मिला, जो कि वैंकी को बोले कि लाइक डोंट वरी, तुम्हारे एज के किड्स को तो कुछ नहीं होता, तुम लोग स्ट्रांग होते, तुम लोग की इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होती है, तो तुम लोग को कुछ नहीं होगा, तुम लोग को होगा भी तो पता नहीं चलेगा, आगे चला जाएगा। वैंकी, अरे मुझे थोड़ी कुछ हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इससे चेकअप करा के अपना वो क्या नहीं लेने गए थे तुम अपना, कुछ नहीं कुछ ये चेकअप करा के उसका रिजल्ट लेने नहीं गया कि इसको हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब वाह। अरे हो गया हो गया हो गया, समझ गया लोगों प्रथमेश, तेरा भाई तेरे से कम नहीं है, डोंट वरी, को। ओके जस्टिस फॉर प्रथमेश। अरे सबसे वो ऑक्सीमीटर ही खराब था। ये भाई कम हो रहा है भाई, मेरे को थोड़ा वहां पे ना, अरे वहां पे हेमंत को होना चाहिए था, भाई मैं नहीं मरूंगा कोविड से, मैं बस के आगे मर जाऊंगा कोविड ना। हेमंत बहुत यार हेमंत बोलते हैं। मैंने ना हेमंत को डरा दिया था गाइस, ऐसा कि हम दोनों साथ में एक ही रूम में रहते हैं। मैंने बोला हेमंत देख हम एक ही रूम में रहते हैं, मुझे 3 दिन से स्मेल नहीं आ रही ना, 3 दिन से मुझे टेस्ट आ रहा है, पक्का 100% अगर हुआ है तो तुझे भी हुआ है और भाई। मुझे भी बोल रहा है कि रुपया हुआ है तो तुझे भी हुआ है, क्योंकि हम दोनों को हुआ है। मेरे को जबरदस्ती हुआ है मैंने मुझे, खुद को मतलब डरा अगर किसी इंसान को ना भी हो ना, बैंकी उसको पुश कर देगा, नहीं तुझे भी हुआ है, मुझे हुआ है, तुझे, हम सब एक ही घर में क्वारंटाइन हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग की प्लानिंग फिक्स थी गाइस, क्योंकि देखो इसको हुआ होगा तो हेमंत को हुआ होगा, इन दोनों को हुआ होगा तो मेरे को हुआ ही होगा, और मुझे हुआ होगा तो मेरे मॉम को हुआ ही होगा, क्योंकि हम सब साथ में रहते हैं मोस्टली। हम लोग का प्लान बन गया था, अगर वैंकी पॉजिटिव निकला तो हेमंत चक्कर जाएगा, हेमंत पॉजिटिव निकला तो मैं जाऊंगी, मैं भी पॉजिटिव निकली तो मम्मी का भी कराएंगे, और फिर हम सब एक ही घर में, मेरे घर में हम लोग क्वारंटाइन हो जाएंगे। वाह, चलो हो गया ठीक है, खत्म स्टोरी खत्म। आंटी कैसी है? अब ठीक है, अभी ऊपर गए, मैं अभी जस्ट उनको स्टेयर्स पे खाना दे के आया हूँ। मतलब स्टेयर्स पे पहले मैं खाना रखता हूँ, फिर वो खाना खाती है। तुमने देखा नहीं उनको? हाँ तभी तो शांति ठीक से है, बैठे।
ठीक है बालकनी से लुक दे रही है वो, तो वो दिन से तो बात करते हैं, जैसे वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, हम नीचे रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। मम्मी ठीक है? हाँ बेटा टीकू टीकू पक्का? हाँ कुछ लाओ? नहीं, ऐसे बात करते हैं। आंटी बोले अरे चल मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल फिट आंटी, लाओ खाना बना के दिखा दी तुम लोग का। शी इज वेरी क्यूट गाइस दिस इज वेरी 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 सीरियस, इसको हल्के में मत लो। जिस पे बीतती है समझ जाता है उसको। उनका बस ले तो अभी ऊपर से भी प्रथमेश को बोला प्रथमेश पढ़ाई कर ले थोड़ा। ये भाई इतना खुश हो गया ना, ये 12th का एग्जाम ये हो गया ना पोस्टपोन, हाँ खुश। एक तरह से उसको गुस्सा भी आता होगा क्योंकि इतना पढ़ा क्यों, फिर मैं आराम से मूवी देख लेता, वेब सीरीज देख लेता, पता नहीं कितनी वेब सीरीज खत्म कर दिया होता। भी पढ़ाई वढ़ाई नहीं की उसने, प्लीज हेलो। होगा जब भी उसे पूछो क्या करता, अब भी तो पढ़ाई करके उठा, अब भी तो पढ़ाई करने जा रहा, ये भी नताशा है। ये भी तो नताशा है। नताशा भी सेम है भाई। एक मूवी पक्की या फिर एक सीरीज का आधे एपिसोड्स तो देख ही लेता, मतलब 4-5 एपिसोड्स तो खत्म कर लेंगे। ठीक, पता ऐसे है 65 डेज के अप्रोक्स 365 मूवीज देख लेता है। देखो सही है, देखो पूरा पूरा अपनी जिंदगी जी रहा है वो मूवीज देख देख के। क्या बेटा, नताशा बोल रही है अच्छा बेटा। सच है ये, सच है कि नहीं वैंकी? मैंने कुछ नहीं बोला। जब भी नताशा से पूछो क्या कर रही थी, अबे अभी पढ़ाई कर रही थी, अभी खाना खाने उठी हूँ फिर पढ़ाई करने जाऊंगी, पता नहीं इतना पढ़ के करेगी क्या ही जिंदगी में। अच्छा है, चलो ठीक है रिव्या, मैं करता हूँ ठीक रात में टेक्स्ट, करते है, हैं बात। सो नाइस टू मीट यू, हमें नाइस टू आपके मीट साथ डील मंजूर यू टू, बिट है। ठीक है बाय नेगेटिव बट बी पॉजिटिव। ओके बाय, टेक सर। प्रथमेश बाय 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 पढ़ाई बाय। कर ले थोड़ी जा। बाय।